नमस्ते दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बकरी वाले यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ये बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद। और देखिए ढेर सारे गुड फॉर्मिंग। नमस्ते दोस्तों, आज आप देखने वाले हो दशरथ घास। दशरथ घास जो फोडर है उसके बारे में जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं दो जो फोडर है मेथी और दशरथ, वो उसमें कंपैरिजन भी करने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि मेथी बुरा है दशरथ अच्छा है, या दशरथ अच्छा है मेथी बुरा है। मेथी अच्छा है उसके जगह पे, दशरथ अच्छा है उसके जगह पे, उनके दोनों कंडीशन पे, उनके क्लाइमेट पे। तो चलिए वीडियो देखना, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव गिरी बकरी वाले आज आपके लिए ले आया हूँ बकरी वाले यूट्यूब चैनल पे और एक वीडियो। और वीडियो चालू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा बकरी वाले यूट्यूब चैनल दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है। आज हम DSLR पे शूट कर रहे हैं, मेरा भाई शूट निकाल रहा है निकॉन 3500D। हमने कैमरा परचेस किया है, उसके साथ माइक भी लिया है। तो आपको आई होप कि आपको अच्छी क्वालिटी आज के वीडियो के बाद और ऐसे ही मिलती जाएंगी। आपका ढेर सारा प्यार ऐसे ही रखिए। वीडियो जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो सवाल है, जो आपके मन में प्रश्न है वो मुझे कमेंट में पूछिए। मैं अभी अभी से सारे वीडियो हिंदी में बनाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मराठी आदमी हो तो मराठी निकल जाता है कभी कभी, पण तरी तुमच्यासाठी प्रयत्न असेल प्रत्येक व्हिडिओ हा हिंदीमध्ये असावा, कारण की बरेच जण बघणारे आपले बाहेर राज्यातून बाहेर देशातून ही आहे। उसके लिए मैं अभी कोशिश करने वाला 100% की आगे की वीडियो अच्छी वॉइस क्वालिटी, अच्छी HD क्वालिटी वीडियो में और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे सकूँ। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है दशरथ घास। एक्चुअली मैंने दशरथ घास के बारे में बहुत सारी रिसर्च की। अब तक हमने 150 से 200 किलो तक दशरथ घास सीड्स सोल्ड आउट किए। दशरथ घास जो फोडर है वो भैंस के लिए भी चलता है, गाय के लिए भी चलता है, बकरी के लिए भी चलता है, बकरियाँ सब जो जानवर है, जो घोड़ा भी आता है उसमें, हॉर्स सब पैर से खाते, चाव से खाते, बड़े उसको भी वो पसंद आता है। जो अपना नेचुरल घास है उसको कहीं घोड़े घास बोलते हैं, कहीं पे ये लहसुन घास बोलते हैं, कहीं पे लहसुन, कहीं पे लहसुन घास बोलते हैं, कहीं मेथी घास बोलते हैं, कहीं पे लहसुन घास बोलते हैं, कहीं पे घोड़े घास भी बोलते हैं। हमारे एक्चुअली नासिक डिस्ट्रिक्ट में इसका जो लहसुन और जो फोडर आता है उसका एक्चुअली जो नाम है उसका तो लहसुन है, LUCE लहसुन। उसमें भी वैरायटी है जो डेवलप किया है। उसके पत्ते बस खाली मेथी की तरह दिखते हैं तो उसको मेथी बोलने लगे कुछ लोग। और घोड़े ज़्यादा, यानी कि जो पहले आया तो घोड़े ज़्यादा खाते थे वो, तो घोड़ों के बाद उन्होंने गाय को भैंस को लगाना चालू किया तो उसको घोड़े घास बोलने लगे लोग, जो अनएजुकेटेड लोग है वो। उसके बाद कुछ लोग है लहसुन, उसका जो नाम है उस पे से उसको लहसुन नाम पड़ा, लहसुन नाम पड़ा। उसका नाम एक्चुअली लहसुन है, LUCERNA लहसुन। तो जो लहसुन का लहसुन हो गया तो ऐसा उसको नाम पड़े। वैसे ही दशरथ घास है, दशरथ घास भी बहुत अच्छी क्वालिटी में बढ़ता है। उसका जो अच्छा है मेथी घास से, अगर आप दशरथ को कंपेयर करें तो दोनों भाई भाई है, सगे भाई है। बस दोनों में किसी में कुछ तो भी खामियां रहती है, किसी में कोई नहीं रहती, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आपको प्लस पॉइंट चाहिए तो आपको नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे। अभी अब बात करते हैं मेथी घास की। मेथी घास जो लगाते हैं अभी ये सीज़न में आप मेथी घास नहीं लगा सकते। आपको इमरजेंसी आपके 2 महीने में 3 महीने में जानवर आने वाले, बकरे आने वाले, कुछ भी व्हाटएवर जो हो, जो चारा खाते वो आने वाले, तो आप इंस्टेंट मेथी घास नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना आपने सनी मौसम देखा है। अभी देख रहे हो आप, मुझे गॉगल पहन के शूट करना पड़ रहा है, इतना धूप इधर मेरे इलाके में गिर रहा है। इधर पास में नदी है, इतना पानी होकर भी इधर इतना धूप गिर रहा है। तो बाकी के धूले वगैरह वो नॉर्थ महाराष्ट्र उधर उधर तो बहुत धूप है, तो ये पॉसिबल नहीं मेथी लगाना। मेथी खाली आप लहसुन जो है, मेथी लहसुन व्हाटएवर जो हो, वो आप सिर्फ अक्टूबर नवंबर यानी कि जाड़े के मौसम में ठंड में लगा सकते हो। दशरथ का ऐसा है, आप जाड़े के मौसम को छोड़ के उतने 3-4 महीने छोड़ के ये लगा सकते दशरथ, जो अभी आपको पीछे मिलेंगे आपने देखने को। मेरा भाई एक्चुअली शूट निकाल रहा है उसके पीछे, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ दशरथ घास के बारे में पूरी। तो दशरथ घास जो है उसमें जो ड्रॉबैक है, यही ड्रॉबैक है कि वो आप जाड़े के मौसम में नहीं लगा सकते। जो मौसम में आप रेगुलर अपना पारंपरिक घास लगाते हैं तो उसको ठंड के मौसम में नहीं लगाना है। बाकी आपको बरसात में और धूप में लगा सकते हैं। बहुत लोग मुझको क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत बहुत बोलते कि नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता, जाड़े के मौसम में ही आता है जो कुछ घास रहता है, दशरथ भी जाड़े के मौसम में आएगा। एक्चुअली दशरथ को जाड़े के मौसम में आना इम्पॉसिबल है, तो ये धूप में और इसमें आता है।
बारिश के मौसम में एक्चुअली कैसा है, जो अपना लहसुन का सीड्स रहता है, जो लहसुन का पाउडर है, उसको चाहिए जो आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो चाहिए। वो जाड़े के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो बराबर, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। उसके जर्मिनेशन के लिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी इम्पोर्टेंट, किसके लिए, लहसुन घास के लिए, जिसको मेथी घास बोलते हैं, लहसुन घास बोलते हैं, उसका नाम लहसुन है, उसका बहुत वैरायटी आता है। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का दोनों सीड्स मिलेंगे। हम स्पेशली हम अभी ना बोल देते, कस्टमर को हम पसंद ही नहीं है, हम बस नवंबर अक्टूबर सितंबर जनवरी फरवरी तक बेचते हैं, लेकिन हमारा माशाल्लाह आता है पाउडर, सारा जर्मिनेशन आपको अच्छा मिलेगा, तो आप हमसे खरीद सकते हो। तो बात आती है फिर उस पर कि आप जो क्वालिटी आता है सो सेम आता है, प्रोटीन लेवल वगैरह मेथी दशरथ में दोनों में सेम है, बस आपका एडवांटेज ऐसा है मेथी का, वो आपको 12 महीने में बड़ा ही रहेगा। जो दशरथ है आपका, जो आपके 3-4 महीने आते जाड़े के, जो आपका अक्टूबर नवंबर जुलाई के बाद बारिश ख़त्म होती है, जैसे बढ़ती जाती है ठंड, तो वैसा इसका कटिंग कम हो जाती है। और जो मेथी है, जैसी ठंड बढ़ती जाती है वैसी कटिंग भी बढ़ती जाती है, तो ये मेथी का एडवांटेज है, ये दशरथ घास का डिसएडवांटेज है कि बढ़ता नहीं है ठंड में, और जो मेथी है लहसुन है अपना वो बढ़ता है। बाकी ये मौसम में लगाना हो, आपके जानवर आने हो, आपको अर्जेंट लग रहा है, तो आप दशरथ लगा सकते हैं, बराबर। और बाकी जो मेथी और लहसुन जो है वो अगर आपके बकरी ने, गाय ने, घोड़े ने, किसी ने भी अगर ज़्यादा खा लिया तो उसको पेट फूक जाता है, तो ये बात इसके साथ नहीं होती, किसके साथ, दशरथ के साथ नहीं। दशरथ आपके बकरी अगर बकरी कुछ भी हो, गाय 2 किलो खा रहे हैं, तो उसने 6 किलो भी खा लिया, 4 किलो भी खा लिया, तो भी उसको कुछ नहीं होगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, ये किधर बुक में नहीं, किधर भी नहीं, ये हमने खाली खुद ट्राई किया हुआ है। अब पहला हमारा दशरथ था वो बहुत पुराना हो गया, हमने निकाल दिया, और खास लोगों को दिखाने के लिए कि धूप में भी दशरथ आता है। जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं फार्मर, उन्होंने मुझे अपोज किया, अरे तू पागल हो गया कि इस मौसम में नहीं आता। मैं बोल रहा, अरे मैंने 150-200 किलो भेजा तो सब आए हैं, सबके आए हैं, तो जिसने धूप में लगाया, बारिश में लगाया, उनको रिजल्ट आना ही है। जो ठंड में लगाते हम ना बोलते, हम पहले ही बोल देते आपकी गारंटी, आप मत लगाए, वो बोलते यार मेथी जो है वो धूप में नहीं आता, बारिश में नहीं आता, इसमें आता है, किसमें, ठंड में आता है, तो दशरथ भी ठंड में आएगा। अरे मेरे भाई, दशरथ और मेथी दो अलग अलग चीज़ है, वो अगर भाई भाई भी रहे तो उनकी वैरायटी अलग बदल जाती। तो आपके जो आपके पशु है उन्होंने ज़्यादा भी खा लिया तो उनका पेट फूकी के उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेथी दशरथ जो है उनमें ये अच्छी बात है कि दशरथ ज़्यादा खाने से भी वो प्रॉब्लम नहीं होती, मेथी अगर ज़्यादा खा लिया तो तुरंत बकरे फूक जाते हैं, ऐसा फुला लेते हैं पेट। और बाकी दूसरा जो फीमेल्स रहती है, गाय में रहे, भैंस में रहे, बकरियाँ रहे, घोड़ों में रहे फीमेल, उन्होंने अगर ज़्यादा मेथी खा लिया तो उनको जो टॉयलेट रहती है, जो पेशाब आती है उनकी, उसमें थोड़ा सा खून आता है, लाल जरा रेडिश आती है उनकी पेशाब, तो ये चीज़ दशरथ के साथ नहीं होती। दशरथ में एक्चुअली पानी का प्रमाण कम होता है, मेथी में पानी का प्रमाण ज़्यादा होता है। अगर आप धूप में, अभी ये मौसम है, अभी सब तरफ ड्राई फूडर का शॉर्टेज हो जाए ले, बराबर, तो ये शॉर्टेज में हो क्या रहा है, तो आप आगे जैसा अभी आपको आपका अभी बारिश की ओर बढ़ रहे हैं, हम ईद के टाइमिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो बारिश की ओर बढ़ते वक्त हमें प्रॉब्लम आता था ड्राई फूडर का। एक्चुअली आई ऑल्सो हैव दैट प्रॉब्लम, मेरे पास भी अभी ड्राई फूडर कुछ भी नहीं बचा है, बस मका है खाली, और एक जो 2 गाड़ी मका था वो काला गिर गया, तो शादी था पार्टनर का, तो हम उसको ये नहीं, तो उसको स्टोर नहीं कर सके अच्छे से, तो वो ख़राब हो गया। तो ये प्रॉब्लम मुझे आनी क्या है, मेरे को जो आ रही सबको आ रही, बराबर, ये ख़त्म होते जा रहे हैं जो अपना ड्राई फूडर है बारिश तक, बराबर। हरी पत्ती के भाव दिन बढ़ रहे, 17-18 रुपए हरी पत्ती हो गई महाराष्ट्र में। तो अभी इसका होता क्या है, जो आपकी बारिश रहती है तो बारिश में आप मेथी डालोगे तो वो कम खाएंगा, क्यों, बकरे का चीज ऐसा है, बकरे का है ना कि जो भी चारा खाते हैं वो एटमॉस्फेयर जैसा रहता है वैसा खाते। अभी इन दिनों में उनको ड्राई कम भी दिया तो भी चलेगा धूप में, लेकिन उनको जो गीला है, जो मेथी इसमें पानी ज्यादा है ना, तो ये चाहिए उनको, बराबर, क्योंकि क्या है, उनको जो एटमॉस्फेयर है वो गर्मी उनके आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर है उसमें, तो यही बात बारिश में लागू होती है। बारिश में होता क्या है, बारिश में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, पानी बढ़ जाता है, पानी पीने की यानी कि जो 2 लीटर पानी पीता है वो 1/2 लीटर पानी पीता है बकरा हमारा एक्सपीरियंस। तो उसमें आप दशरथ डालोगे ना तो दशरथ में पानी का प्रमाण कम होता है, तो दशरथ बहुत ऐसा चॉइस से खाता है जानवर एज़ कम्पेयर मेथी, ये दशरथ का फायदा रहता है। एक्चुअली दशरथ आप लगा सकते हैं, बारिश में लगा सकते हैं, बारिश में अच्छा आता है, माशाल्लाह आता है, इस मौसम में भी अभी आता है, जरा आपके पास पानी होना, बस प्रॉब्लम एक रहता है दशरथ का वाफे में लगाने से, अच्छी क्वांटिटी वाफे में
मिलती है उसको, तो लेकिन वाफे में लगाने का प्रॉब्लम एक होता है, तन बढ़ जाता है जो गवत रहता है, तो आपको थोड़ा एक डेढ़ महीना बढ़ने देना है घास अपना दशरथ घास, और वो जो तन है उसमें पानी मारना है, सब घास में पानी छोड़ना है, और पानी से वो ज़रा वो सॉफ्ट हो जाती है अपनी ज़मीन, तो धीरे से लड़कियाँ वगैरह जो मजदूर हो वो लगा के नाजुक से ऐसा उपड़ लेना है ऊपर। अभी आप देख सकते मेरी जो दशरथ लगा है अभी इसको एक से सवा महीना हो चुका है, एक महीना भी नहीं हुआ होगा, एक महीने के लगभग हो गए, तो अभी ये आप देख सकते हैं ये पानी की वजह से ये देखिए ये अभी मैं निकाल रहा हूँ तो बीच में टूट जा रहा है, ऐसा टुकड़ा पड़ जा रहा है इसका, ये गवज ना, तो आप देख सकते हो मैं निकाल रहा हूँ तो ये निकल गए, जब छोटे जो रहेंगे वो निकल जाएंगे लेकिन बड़े होंगे वो जो नहीं निकलेंगे, तो आपको बस उसका जो टेक्निक है उसका लगाने का जो तरीका है वो पानी को गर्म करना वगैरह वो मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो खास उसके लिए बनाने वाला हूं मैं कि दशरथ घास लगाने से पहले उसको पानी में गर्म करके क्या प्रोसेस करना है, और बाकी आपको दशरथ घास लेना रहे दशरथ घास के बारे में कुछ आपको प्रॉब्लम रहे क्वेश्चन रहे कुछ भी रहे तो मुझे पूछिए मेरे नंबर पे 9405359244, और मैं जल्द से जल्द मुझे सुझाव दीजिए कि मैं कौन से वीडियो बनाऊँ किस टॉपिक पे बनाऊँ, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या समस्या आ रही है, मैं आपका दोस्त हूँ आपको ज़रूर मदद करूँगा, वीडियो लाइक करते जाइए शेयर भी कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अभी बकरों की तैयारी है, अगर खुदा ने चाहा भगवान ने चाहा देवाची झाला आशीर्वाद तुमच्या सारख्या लोकांचा जर असंच प्रेम मिळत राहिलं तर डेफिनेटली मी खूप मोठा होणार, आणि ये कुछ नाही बस आप लोगों का प्यार है जो हम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो लाइक करना ना भूलिए, थैंक्स, मैं गौरव गिरी, आप देख रहे थे बकरी वाले यूट्यूब चैनल विथ माई ब्रदर कुणाल गिरी, धन्यवाद, थैंक यू।